कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक ली और लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले भी हमने कोरोना पर काबू पाया है, फिर इस पर काबू पा लिया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को फायदा होगा। परियोजना में खर्च का 90% केंद्र वहन करेगी और 10% में दोनों राज्य सरकारें वहन करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिकारी मास्क लगाएं, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क स्लोगन के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी भी पोस्ट करें, कोरोना पर जन जागरण अभियान जोर शोर से चलाएं। उन्होंने कहा 23 मार्च लोगों को सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे मास्क लगाने की समझाइश दें, उन लोगों को रोकें टोकें जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं। धर्मगुरु कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने में सहयोग करें, कोरोना से बचाव के अभियान को सफल बनाएं, मेरी होली मेरे घर अभियान चले। इस दौरान शिवराज ने कहा कि 1 साल पहले कोरोना काल में हमने सरकार की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब खजाना खाली था। पीएम मोदी और जनता के आशीर्वाद से हमने ऐसी कड़ी परिस्थिति में भी रास्ता निकाला। कोरोना के इस अभियान में मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश भर के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से जिनमें हमारे सांसदगण विधायकगण उनके साथ समाज सेवी सब जुटेंगे, वर्चुअली हम लोग बात करेंगे कोरोना को नियंत्रित करने के लिए। सबके सहयोग की आवश्यकता है, मिलके पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है और कोरोना को नियंत्रित किया, अब फिर चूंकि वो बढ़ा है इसलिए फिर से संपूर्ण समाज को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, धर्मगुरुओं को जोड़ना आवश्यक है। इसलिए आज हम कोरोना को कंट्रोल करने पे व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। कल हमारा अभियान 11 बजे और शाम को 7 बजे साइरन बजेगा, 2 मिनट खड़े रह के मास्क पहनने का संकल्प लेना है। कुल मिला के जन जागरण है कि कोरोना से लड़ना है तो हमको ही सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे और उपाय में सबसे प्रमुख है मास्क लगाना। तो लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग बनाएं, इसके लिए ज़रूरी है कल 11 बजे मास्क लगाने के संकल्प के बाद दुकानदार भाई और बहन अपनी दुकानों के सामने गोले बनाएं ताकि ग्राहक अगर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाए। ये अभियान भी चलेगा, मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है इस अभियान में भाग लें, हम जगेंगे तो कोरोना भगेगा। 1 साल पहले जब कार्यकाल संभाला था वो कोरोना का कहर पूरे प्रदेश पे कोरोना कहर बरपा रहा था और वैसी कठिन परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबल से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और समाज के स्नेह और आत्मीयता से उन कठिन परिस्थितियों में से भी रास्ता निकाल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पूरी तरह से संतोष है कि संकट की इस घड़ी में अपनी टीम के साथ मिलके हमने परिश्रम की पराकाष्ठा की, प्रयत्नों की परिसीमा की और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधेरा घना था लेकिन फिर भी राह निकलने की कोशिश की। शिवराज ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा, इससे बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलेगी। अकेले मध्य प्रदेश में इससे 9,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, इसके साथ ही 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि 35,000 करोड़ की लागत की ये परियोजना है जिसमें 9% केंद्र और 10% राज्य वहन करेगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश के विशेषकर बुंदेलखंड के हित में होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के सामने एक त्रिपक्षीय समझौता हो रहा है, केंद्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों मिलकर ये समझौता कर रहे हैं कि केन और बेतवा नदी जोड़ी जाए,
कैन और बेतवा को जोड़ने का लाभ ये है कि बरसात में जो पानी व्यर्थ चला जाता था उसको रोक के हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे। अकेले मध्य प्रदेश में 9,11,000 हेक्टर में सिंचाई होगी और 41,00,000 लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेगी, वहाँ की जनता की तकदीर भी बदलेगी। 35,100 करोड़ रुपए की लागत की यह परियोजना है जिसका 90% भार बहन केंद्र करेगा और 10% राज्यों को करना है। ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड के लिए बढ़ना है। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।